नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए फ्रेश वीडियो में। मैं हूं रितेश, आप देख रहे हैं ज्ञानी रील्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं ये छोटे वाले स्पीकर्स जो कि आर्टिस्ट कंपनी की तरफ से है। तो चलिए इसका हम आज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर्स में आपको वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, ये है छुटकू स्पीकर्स जो कि आर्टिस्ट कंपनी की तरफ से है। तो चलो एक बार इसके बॉक्स के ऊपर हम नजर घुमा लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या लिखा हुआ मिल रहा है, क्या मेंशन किया गया है। तो बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पे आपको इसमें आर्टिस्ट का लोगो मिल रहा है और साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 600 वोट PMPU यानी इसमें आपको 600 वोट का आउटपुट मिलेगा। और डाउन साइड पे इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो छोटे वाले स्पीकर्स है वो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तीनों के साथ कंपेटिबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओके, तो अभी इसको हम बॉक्स को घुमाते हैं और दूसरी साइड पर चेक करते हैं। ओके, तो बॉक्स की दूसरी साइड पर इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो स्पीकर्स है तो उसमें से 300 वोट के दो आउटपुट इसमें से निकलेंगे और साथ में इसमें यूनिट है वो 50 मिलीमीटर के है दो यूनिट और साथ में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो भी 60 हर्ट्ज लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा। अब दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं बॉक्स की। तो दूसरी साइड पे इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो स्पीकर है वो उसको आप USB की मदद से आप इसको पावर दे सकते हैं यानी आपको अलग से अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है इसमें। और साथ में इसमें ये जो फंक्शन दिया गया है वो वायर वॉल्यूम कंट्रोल का है और साथ में आपको इसमें एक 600 का तो मैंने बात कर ली, बाद में इसमें सुपीरियर लिसनिंग एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है और साथ में एनचांस लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट भी मिलने वाला है और साथ में आपको इसमें पावरफुल बास भी मिलेगा। ये तो बात की बात है कि हम चेक करेंगे तब आप हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें कैसा बास मिल रहा है। तो चलो इसको बॉक्स को हम अभी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ओके सो गाइस, ये है रेड और ब्लैक कलर में मिनी पोर्टेबल स्पीकर्स जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, इसका पेपर हटा देता हूँ ऊपर से तो आपको रियल में कैसा ये एक्चुअल में दिखते हैं वो आपको मालूम पड़ जाए। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बार बताना भूल गया कि इसमें आपको एक साल की वारंटी भी मिल रही है। तो अगर एक साल में कभी भी ये स्पीकर्स ख़राब होते हैं तो आप इसको वारंटी में दे सकते हैं। और हाँ, मैंने ये स्पीकर्स ऑफलाइन मार्केट से परचेस किए हैं सो मुझको ये 400 रुपये में मिले हैं। आपको भी ये आपके नज़दीकी स्टोर में आराम से मिल जाएंगे और अगर नहीं मिलते तो इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप उधर से जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। और ये हाथ में उठाने के बाद इसका जो वजन है वो जितना ये छोटा दिखता है स्पीकर उतना हल्का नहीं है तो इसमें क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। और इधर आपको मैं दिखा दूँ इसमें कि आपको इसमें ऊपर की साइड आपको आर्टिस्ट का लोगो मिल रहा है और इसकी जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझको काफ़ी पसंद आई। और इसमें आपको ऊपर ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ऊपर से। अब चलो आगे बात कर लेते हैं स्पीकर के बारे में। तो इसमें आपको मैं दिखा दूं कि इसमें आपको जो ये केबल है, एक मिनट इसको मैं ओपन कर लूं। इसकी जो केबल की लेंथ है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। और इसमें जो आपको ये बीच में ये दिया गया है, एक मिनट आपको मैं बता दूँ, ये जो बीच में है वो उसकी मदद से आप इसका जो वॉल्यूम है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें से आप इसको कर सकते हैं। और ये है USB पिन जिसकी मदद से आप इसको स्पीकर्स को पावर दे सकते हैं। और ये वाली जो पिन है वो 3.5 mm जैक है तो ये जो पिन है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के हेडफोन जैक में जाएगी। इसकी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें आपको बीच में कोई भी लॉक नहीं मिल रहा है तो अगर आप इसको केबल को खींचोगे तो आसानी से ब्रेक हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम कंपनी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि इसकी प्राइस भी 400 रुपये है तो थोड़ा बहुत तो हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसको स्पीकर्स को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको मैं सुना देता हूँ गाना बना सब कि आपको इसमें कैसा बास मिलता है, ट्रबल मिलता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। So guys, आप सुन सकते हैं कि इसमें आपको कैसा बास और ट्रिपल मिल रहा है। इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसकी बास की बात करूँ तो बास इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं है जितना आगे मेंशन किया गया था बॉक्स पे कि पावरफुल बास है उतना पावरफुल नहीं है लेकिन चलेगा ठीक ठाक है 400 रुपये के हिसाब से।
ये जो स्पीकर से पोर्टेबल, आप इसको अपने रूम में कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आउटसाइड के लिए ये स्पीकर को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। रूम के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। ये जो स्पीकर है वो मेरा जो कैमरा है उसका माइक से तकरीबन 2 फुट की दूरी पे है, तो आपको इसका एक्चुअल साउंड मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए तो आपको ये परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपका बजट 400 रुपये है तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे स्पीकर है, 400 रुपये के हिसाब से तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। तो बस यही था आज का ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ फिर से एक बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।